इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की स्पेशल सेल ने इनामी बदमाश मनीष वशिष्ठ को मार गिराया है। ये इनकाउंटर न्यू राजेंद्र नगर में हुआ है। इनामी बदमाश का इनकाउंटर हुआ है, दिल्ली की स्पेशल सेल ने यह इनकाउंटर किया है। मनोज वशिष्ठ नाम का ये इनकाउंटर है और रेस्टोरेंट के अंदर ये इनकाउंटर हुआ है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था मनोज वशिष्ठ। मनोज वशिष्ठ नाम के एक चीटर का इंकाउंटर किया गया था। इसलिए पूरा का पूरा मामला देर शाम के वक्त सामने आया। ये जो डेड बॉडी निकलती हुई देख रहे हैं, सागर अपना रेस्टोरेंट राजेंद्र नगर में आने वाला है और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने बकायदा एक ट्रैप लगाया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यहाँ पर ट्रैप लगाया था और जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची थी तो बताया जाता है कि मनोज वशिष्ठ ने भी उन पर फायर किया था। इसी के दौरान स्पेशल सेल के जो पुलिसकर्मी यहाँ पर थे, जो उसको ट्रैप करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की और गोली चलाई। इस दौरान मनोज वशिष्ठ को गोली जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जो आपने डेड बॉडी यहाँ पर अभी देखी गाड़ी के अंदर लोड होती हुई, ये मनोज वशिष्ठ की ही है। बताया जाता है कि मनोज वशिष्ठ पर शीटिंग के कई मामले थे और इस पर रिवार्ड भी घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पिछले काफी समय से इसकी तलाश थी और पुलिस इसकी तलाश में बकायदा यहाँ पर पहुंची थी। सागर अपना रेस्टोरेंट के अंदर बकायदा ट्रैप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यहाँ पर यह भी जानकारी दी है, इस पर रिवॉर्ड घोषित किया गया था। हालांकि पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं, वो इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। घरवाले लगातार इस बात को नकार रहे हैं कि उस पर चीटिंग का कोई मामला था भी या नहीं था। बकायदा वो एक दिल्ली पुलिस की सोची समझी साजिश पूरे मामले को बता रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सागर अपने रेस्टोरेंट के अंदर इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। काफी ज्यादा लोग डरे हुए हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर आए थे खाना खाने के लिए। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस सीटर की पिछले काफी समय से तलाश की जा रही थी और आखिरकार अब उसको यहाँ पर एनकाउंटर में बाहर गिराया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ नरेश विस्तानी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।